तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K व्यू और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मैं इसका एपिसोड नेक्स्ट जो होगा वो जल्द ही लेके आऊँगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एपिसोड के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इस एनिमेशन को मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर कियो और मियो की शादी जो है वो हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा कियो है वो बचा कर लेके आ गया था मियो को। मियो के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे उसकी बड़ी छोटी बहन ने और उसकी सौतेली माँ ने। उसके बाद जो कोची होता है वो उसके पास जाता है और वहाँ पर उसको बोल देता है, और उसकी हेल्प से, कियो और कोची की हेल्प से, वो दोनों जो है उसे जो है छुड़ा लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद उन सभी दोनों की शादी हो जाती है फाइनली। अब हम इसके आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो सोच रही होती है कि फाइनली मेरी जो शादी कूडो के साथ हो चुकी है। वो कियो कूडो बोलना चाह रही है। फिर हम देखते हैं कि वो कह रही है कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि जब से उसने अपना हाथ कियो के हाथ में दिया है जब से उसे अच्छा फील हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा खुश है। बट एक दिन यहाँ पर मियो जो है कपड़े सुखा रही होती है बाहर। आज के दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी उसे लग रही है। वो कहती है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। तभी उसे आवाज़ आती है कुछ चीज़ की, तो वो जाके छुपके से देखती है तो उसका हस्बैंड जो कि कियो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। आज जो है उसने छुट्टी ली होती है काम से। कियो जो है पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ है, जिसे देखकर जो मियो होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि आज मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हैं और मैं जो हूँ उनके पास जाना चाहती हूँ, बट मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। यहाँ पर जो मियो होती है वो अपना एक आइडिया लेकर सामने आती है। वो जो है एक ट्रे के अंदर तौलिया और उसके लिए पानी लेकर जाती है। वो कहती है कि आप जो है इस पानी को पी सकते हैं, आपको प्यास लगी है क्या? तो यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि थैंक यू और इस पानी के लिए। अब वो जो है उसके बहुत ही करीब होती है और ब्लस करने लग जाती है। यहाँ पर जो कूडो होता है वो कहता है कि अरे तुम तो पूरा रेड का रेड हो गई हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बुखार तो नहीं है? वो जो है उसका माथा टच करता है और चेक करता है कि वो जो है बिल्कुल ठीक है, बट वो यहाँ पर उसके मजे ले रहा होता है। यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कियो कि चलो तुम ठीक हो, अपना ध्यान रखना, वैसे मैं जा रहा हूँ अब नहाने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है और मियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और वहीं बैठ जाती है। अपने हस्बैंड के जाने के बाद मियो जो है वो सोचती है कि मेरा दिल तो बड़ी तेज तेज धड़क रहा था, उनके आसपास आते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे कोई आ जाता है और वो कहता है हेलो कोई है अंदर? फिर हम देखते हैं कि यहाँ मियो दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि कौन है। तभी उसके सामने जो है एक बड़ी क्यूट सी लड़की आ जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही लवली हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम मियो है। मेरा नाम जो है वो हाजुकी कूडो है और मैं जो हूँ तुम्हारे हस्बैंड की बड़ी बहन हूँ। तो वो जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है मियो। फिर यहाँ पर मियो जो है वो सोचती है अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरे हस्बैंड की तरह ही। इसकी हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है और इसके पास जो है ब्राउन हेयर भी हैं और ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूरी होती है वो आ जाती है। फिर यहाँ पर वो लड़की उसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उस लड़की ने यूरी को बचपन में देखा था और वो जो है बहुत सालों बाद आज उससे मिल रही है। वो कहती है कि तुम आज भी बहुत ज़्यादा यंग हो। फिर यहाँ जो यूरी होती है वो कहती है कि थैंक यू इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद कियो आ जाता है। वो अपनी बहन को कहता है कि आज भी तुम अभी तक चेंज नहीं हुई। हाजुकी कहती है अपने भाई को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि आज मैंने छुट्टी ली है इसलिए मैं घर पर ही हूँ। यहाँ हाजुकी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं भैया, क्योंकि आपकी जो दुल्हन है वो बहुत ज्यादा ही क्यूट है, इसीलिए आप जो है यहाँ पर रुक गए हैं। कियो जो है थोड़ा सा गुस्सा सा हो जाता है और कहता है अपनी बहन को, इससे तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है तो तुम चुप हो जाओ। फिर जो हाजुकी होती है वो मियो से बात करने लग जाती है। वो मियो को कहती है तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं तुम्हें मियो कहूंगी। तो मियो कहती है कि कैसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे मियो बुला सकती हो। फिर यहाँ पर जो हाजुकी है वो कहती है कि जो मेरे भाई ने यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारी टीचर हूँ मियो। मियो जो है वो समझ जाती है कि वो जो है यहाँ पर एक टीचर की तरह आई हुई है जो उसे टीचर बनकर सिखाएगी मियो को कि उसे जो है कैसे एक जेंटल वूमन की तरह बिहेव करना होता है। फिर यहाँ पर जो मियो होती है वो सोचती है कि मैं जो हूँ लॉर्ड कुडो की वाइफ हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँगी और घर के अंदर और घर के बाहर भी, इसलिए जो वो कहते हैं वो मुझे मानना चाहिए। और यहाँ पर कियो जो है वो सोचता है कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए मुझे जो है मियो को और भी फैमिली मेम्बर से मिलवाना है, इसीलिए उसे जो है एक जेंटल वूमन की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जेंटल वूमन जो होती है उसके तौर तरीके कुछ अलग तरह से होते हैं और उनका जो कल्चर होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए वो इसके बारे में सोच रहा है। यहाँ जो मियो होती है वो सोचती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने जो है बहुत सारी चीजें सीखी थी जैसे कि पियानो बजाना और थोड़ा बहुत गेम खेलना, बट उसके बाद जब मेरी मॉम चली गई तो मेरे जो सौतेली माँ ने बहुत ही अजीब बिहेव किया था और मुझे कुछ सीखने ही नहीं दिया। अब मेरे जो हस्बैंड हैं कियो, अगर वो मुझे सिखाना चाहते हैं कि एक जेंटल वूमन कैसे बिहेव करती है तो मैं वो जरूर सीखूंगी। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर कियो आ जाता है जो यहाँ पर मियो से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई इसके अंदर दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो तुम बता सकती हो, क्या तुम एक जेंटल वूमन की तरह बिहेव करना सीखना चाहती हो या नहीं। यहाँ मियो जो है वो थोड़ी देर के लिए तो चुप रहती है बट वो मन में कहती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। फिर वो दोबारा पूछता है कियो कि जल्दी बताओ मुझे, तो वो कहती है कि हाँ मैं करूँगी। फिर यहाँ पे जो कियो होता है वो कहता है कि मैंने जो है अपने आप से ही तुम्हारे लिए ट्यूटर ढूंढा है, ट्यूटर कोई और नहीं होती उसकी बैड़ी बहन ही होती है। यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि ठीक है जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है। फिर कियो जो होता है उसके नज़दीक आ जाता है क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है इससे बात करते समय, तो वो जो है उसके दोबारा फिर से टेम्परेचर चेक कर लेता है। वो कहता है कि तुम फिर से रेड रेड होने लग गई हो। उसके टच करने के बाद जो मियो होती है वो और ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो तेज़ी से बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ है और आपको जो है मुझे ऐसे टीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो उसको देखने लग जाती है कियो को। कियो कहता है कि अरे मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे भी शर्म आती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके टीचर को बुलाया जाता है जो उसे सिखाने वाली है। उसका टीचर कोई और नहीं हाजुकी ही होती है जैसा कि हमने पिछले पहले ही बता दिया है आपको। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है मियो का हाथ पकड़ के सबसे पहले उसे एक डांस करना सिखाती है जो कि एक क्लासिकल डांस होता है। अब यहीं पर सीन चेंज होता है, हम तकातुसी फैमिली के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को। ये ओल्ड मैन जो होता है एक रूम के अंदर बंद होता है, बस ये मरने ही वाला होता है। ये हमेशा जो है बहुत ज्यादा अंधेरे कमरे में रहता है और बहुत ज्यादा डरावना दिखता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्वेंट जो है इस रूम के अंदर आता है और वो उससे पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, आ जाने का क्या कारण है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने नहीं आया हूँ बट आपकी एक परमिशन को लेने के लिए आया हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि बताओ तुम किस परमिशन के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ आपके डर्टीएस्ट गोल को अचीव करने के लिए आया हूँ, आप जो है हमें अलाउ करें अपने उस प्लान के लिए। अब यहाँ पे वो सबसे गंदा प्लान क्या होता है वो तो हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम जो हो सही से बात नहीं कर रहे, थोड़ी सी अपनी जबान को संभाल कर यूज़ करो। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मजिस्ट्रेट के लिए। यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि मैं जो हूँ देख नहीं सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। फिर यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन कहता है कि तुम जो हो मेरी समाधि को सेट करो जमीन के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सर्वेंट होता है वो सोचता है कि वैसे भी ये ओल्ड मैन तो बिल्कुल ही जिंदा नहीं है, और इसकी समाधि सेट कर दें तो उसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमारी बात होती है एक गिफ्ट के बारे में, बट मुझे समझ में नहीं आता वो गिफ्ट कौन सा है और उनका डर्टीएस्ट प्लान कौन सा है, वो हमें आगे दिखाया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर सीन चेंज हो जाता है, यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 7 ख़त्म हो जाता है। इसका पार्ट 2 जो है वो मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ जो मैंने टारगेट आपको दिया था स्टार्टिंग में उसे पूरा कीजिए, और मैं जो हूँ इसका एपिसोड आज ही शाम को ज़रूर लेके आऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।